जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। व्यूवर्स, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ बहुत क्विक और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज़ बताती रहूँगी। कुछ ब्यूटी के रिलेटेड हुआ करेगा, कुछ फूड के रिलेटेड हुआ करेगा। तो आज हम लोग बनाएंगे ज़रदा, जो कि नॉर्मल हमारे घरों में बनता है और हम लोगों को लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसमें मैंने आज जो न्यू कमर्स हैं सिर्फ मैं उनके लिए बहुत क्विक क्विक वाली छोटी सी एक रेसिपी बताऊंगी, जिसमें कुछ ऐड नहीं ज़्यादा करूंगी। ये मैंने ब्लैक किशमिश लिए हैं जो इसमें जाएंगे, और ये इसमें जाएगा कोकोनट। ड्राई कोकोनट था, मैंने इसको हाफ जो उसका ड्राई कोकोनट का हिस्सा होता है मैंने इसको ऐसा काट लिया है। ये हमारे पास है ज़रदा रंग, जिसको मैंने ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है पानी में, जो कि बॉयल पानी में जाएगा। पानी ऑलरेडी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ये भी मैं बता देती हूँ कि मैंने जब पानी बॉयल होने के लिए रखा है तो उसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखें पानी उबल रहा है, ऑलरेडी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने सिर्फ 5-6 इलायचियाँ डाली थी, जो कि आप देखें हल्का सा कलर चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें सिनेमन स्टिक डाला था। सिनेमन स्टिक के साथ साथ मैंने इसमें लौंग डाले थे, जिसकी वजह से जर्दे में या जब हम लोग मतंजन बनाते हैं तो उसमें एक जो अलग सी फ्रेगरेंस होती है ये इसकी वजह से होती है। तो ये देखें, इसने कलर भी ऑलमोस्ट जो ग्रीन वाली इलायचियाँ थी वो फूल के कैसे एकदम बाहर आ रही हैं बहुत अच्छे से। और अभी हम लोग इसमें जो चावल हैं वो ऐड करते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे ये थोड़े से चावल लिए थे, उनको मैंने ऑलरेडी डिप करके रखा था। जी तो मेरी डोरबेल हो रही होगी तो आपको मेरी साउंड पता नहीं अब आता है या नहीं आता, ये देख लीजिए। चावल जो हैं वो मैंने डिप करके रखे थे, अब ये चावल जो हैं हम लोग उसमें डालेंगे जो हम लोगों का पानी बॉयल हो रहा है। जी तो व्यूवर्स, चावलों में से पानी मैंने निकाल दिया था। ये रहे मेरे चावल जो मैंने ऑलरेडी पहले से डिप करके रखे थे। तो अगर आप पहले से डिप करके रखते हैं तो चावल इतना टाइम नहीं लेते हैं, तो अब हम लोग इन चावलों को इसमें डाल देते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखें मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। ये इसमें ऑलमोस्ट 2.5 से ऊपर का पानी था, 2.5 लीटर से ऊपर का पानी था। तो ये अभी मैं पानी तो निकालूंगी, लेकिन अभी इसमें एक बॉयल आ जाए, और इसमें अभी हम इस ये जब एक बॉयल आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे चावलों का टेक्सचर कैसा है दम के लिए देखेंगे। और अभी मैं इसमें कलर ऐड करूंगी जो मैंने थोड़ा सा दूध लेके उसमें मिक्स किया था। जी तो व्यूवर्स, ये देखें मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ करिएगा। इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी लेके, जो मेरा कलर थोड़ा डिश में रह गया था, मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, जी तो व्यूवर्स, अभी हम इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे। हम लोग इसमें एक बॉयल आने का वेट करते हैं, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो आपको बताऊंगी। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे से जो है वो बॉयल आ गया है। तो मैं अभी ढक्कन को हिला के भी मैं देखती हूँ। ये देखें जी, इनका कलर बहुत ही अच्छा, और ये जो चावल हैं अभी इस लेवल पे हैं कि इनका पानी निकाल दिया जाए। ये देखें जी, एकदम मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत जूम करके अगर आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ तो ये देखें एकदम निखरे और लंबे चावल हैं। अभी बस इतना पानी रख के हम लोगों को निकाल देना है, बस इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे तो चावल हमारे नरम हो जाएंगे। तो अभी हम चावलों का पानी निकाल देते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने चावल जो हैं मैंने निकाल लिए थे, मैं आपको चावल ज़रा क्लियर सा दिखा देती हूँ। ये देखें जी, चावल हमारे बहुत प्यारे निखर के एकदम अलग अलग से हो गए हैं बॉयल होकर। मेरे हाथ को थोड़ा कलर भी लग गया है। अभी हम लोगों ने
मीठा पानी तैयार करना है यानी कि चाशनी तैयार करनी है, तो उसके लिए ये देखें मैंने इसमें 2 कप, छोटे वाले 2 कप मेरे पास मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 कप पानी लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 कप ही उसी वही वाले कप जो थे मैंने चीनी के लिए हैं। तो अभी हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप उतनी डालिएगा जितना आपको मीठा पसंद होता है। कुछ लोग कहते हैं जी मीठा खा रहे हैं तो फिर मीठे में मीठा ना हो तो बात नहीं बनती। अब हम इसकी चाशनी जो है वो तैयार कर लेते हैं जी। तो ये देखें मैंने जो चीनी ली थी वो बहुत बारीक है, यहाँ चीनी बहुत बारीक होती है तो वो बहुत जल्दी से जो है जी वो रिज़ोल्व हो जाती है, बहुत जल्दी से हल हो जाती है। तो ये देख लें एकदम अच्छे से वो चीनी जो है वो इसमें पानी में घुल गई है। अभी इस पानी में मैंने इसलिए कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं जो इलायची थी, लौंग था, वो सब मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो ये एक सिंपल सा मेथड है बनाने का। आप देख लें अगर आप चीनी आपको कम ज़्यादा चाहिए हो तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने जितने चावल लिए मैंने उसके हिसाब से ये जो चीनी की क्वांटिटी है वो देखी थी तो मुझे एकदम ठीक लगी। जी तो व्यूवर्स ये देखें जब चाश थोड़ी बन जाए तो मैं उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, हल्का सा, वो भी टेस्ट के लिए। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसलिए कि जो हमारी चाश है वो जले नहीं, चीनी भी एकदम अच्छे से पक जाए। ऐसा नहीं है कि बस हमारी चीनी मेल्ट हो गई है तो बस हम बोलें कि सब हो गया। अभी इसको एक बॉयल आने की देर है, उसके बाद हम इसमें हमारे चावल ऐड करेंगे और जो बाकी कुछ शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो चाश है वो बनके रेडी हो गई है, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हमारे जो चावल थे जो हमने यहाँ पे रखे थे हम इसमें वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखें मैंने इसमें जो हमारे चावल थे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ये देखें जी, ये देखें। आपको क्या करना है चावलों को ज़रा अच्छे से चाशनी की कोटिंग कर देनी है, ये देखें, ये देख लें जी। तो फिर ये जो चाशनी होगी इन चावलों के साथ अच्छे से वो चिपक जाएगी। और आपने देखना है कि अगर साइड्स पे चावल लगे हैं तो वो आप अच्छे से साफ कर लीजिए, ये देखें जी। जी तो व्यूवर्स ये देखें मैंने इनको अच्छे से हला के मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने ब्लैक किशमिश लिया था मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी, ये देखें जी, ये बहुत मज़े का लग रहे हैं अभी से ही। और मैंने जो इसमें कोकोनट डालना था मैं इसमें वो ऐड करूँगी, आप इसको इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें अच्छे से, ये देखें जी, ये तो अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम इसको दम दे देंगे, ये देखें जी हमने सब कुछ डाल दिया है। तो व्यूवर्स अभी चावल चिपके नहीं क्योंकि चीनी इसमें ऐड होती है तो चावल चिपके नहीं, जुड़े नहीं। मैं इसमें मतलब 2 या 3 चम्मच जो हैं वो मैं इसमें ऑयलिव ऑयल जो है वो मैं डाल दूँगी। आपको मतलब अपने हिसाब से जो ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं, देसी घी कुछ लोग डालते हैं बट मेरे को देसी घी नहीं पसंद आता मीठे में, मुझसे उसकी स्मेल की वजह से या उसका जो फ्रीक्वेंस होता है उसकी वजह से मुझसे तो वो नहीं खाया जाता उसका खाना। अब मैं इसको ढक देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ हम लोगों को थोड़ा ही टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बॉयल थे तो बस थोड़ा सा ढक के रखते हैं तो 2 या 3 मिनट के बाद हम लोग इनको दोबारा चेक करते हैं तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स ऑलमोस्ट इसको 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें इसमें स्टीम जमा हो गई हुई है। इट मीन्स कि अभी हम लोग इसको उतार लेते हैं, इसको देखते हैं इसका ढक्कन खोल के कि हमारे जो जरदा चावल हैं उनका क्या हाल है। ओहो जी ये देखें क्या ही बात है, क्या कलर आया है एकदम अच्छा सा। और ये देखें हल्के हल्के हाथ से हम इसको हला लेते हैं, इनको देखें जी निखरे हुए एकदम चावल जुड़े नहीं हैं,
ये देखें जी, एकदम निखरे हुए जैसे हम लोगों को चाहिए थे, ये एकदम जैसा शादियों पे हम लोग कहते हैं कि देगी सा और इस तरह टेक्सचर आना चाहिए कि जी देग वाला ज़रदा है, तो ये देखें वैसा ही है। अभी हम इसको सर्व करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक जो है आपको वो दिखा देते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये आप देखें हम लोगों का जो ज़रदा चावल हैं वो रेडी हो गए हैं और ये बहुत बहुत मज़े के लग रहे हैं और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि मैं जल्दी से इनको खाऊं। और आपको मैं ये दिखा दूं कि ये देखें जी, ये बहुत सिंपल रेसिपी थी, इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए, इसमें सिर्फ चीनी लगी हमारे घर में जो नॉर्मल हर टाइम रहती है, और चावल भी आपके घर में हर टाइम रहते हैं। मैंने इसको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन पहले हमने ज़रदा से स्टार्ट किया है कि जो न्यू कमर्स हैं जिनको कुकिंग नहीं आती तो वो ऐसे छोटी छोटी जो रेसिपी हैं उनसे क्विकली सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक बार आपको दोबारा से मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या लिया है जी। पहले चावल लिए थे मैंने, इसमें मैंने मेजरमेंट किया तो मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए थे, उसके बाद मैंने मेजरमेंट के हिसाब से ही 2.5 से 3 लीटर मैंने पानी रखा बॉयल होने के लिए, उसमें मैंने इलायचियाँ डाली, लौंग डाले, सिनेमन स्टिक्स डाली थी। उसके बाद मैंने जी इसमें जो, और मैं आपको याद भी करूँगी जब खाऊँगी, तो आप मेरी जो रेसिपी है उसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अगर आप छोटी सी रेसिपी, तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नई वीडियो में। बाय बाय व्यूवर्स।